तेजस्वी भले ही मायावती से अपनी मुलाकात को शिष्टाचार का कलेवर दे रहे हो, लेकिन समझना मुश्किल नहीं कि उनका तीर किस ओर चलने वाला है। रविवार शाम ढलते ही लखनऊ में तेजस्वी यादव पहुंचे और सीधे बीएसपी सुप्रीमो मायावती के घर का रुख किया। मुलाकात के बाद बाहर आए तो जो कहा और नहीं कहा वो सब साफ हो गया। हम तो सबसे छोटे हैं, हम तो बधाई देने आ गए, जन्मदिन के अवसर पे भी एडवांस में देने आ गए और आशीर्वाद लेने भी हम आए हैं कि बहन मायावती जी का हमारे ऊपर आशीर्वाद रहे और जो चीजें हैं आगे परिपक्व एक नेता है और इनका मार्गदर्शन हम लोगों को मिलता है। अब मायावती का तेजस्वी को आशीर्वाद मिला या नहीं ये तो वक्त बताएगा, लेकिन इस दौरे के सियासी मायने ये हैं कि तेजस्वी बिहार में नीतीश के दलित समीकरण का काट निकालने की कोशिश में हैं। मायावती ने अगर तेजस्वी के पक्ष में प्रचार किया तो नीतीश का सवर्ण दलित मुस्लिम समीकरण पर चोट तय है। कि हम लोगों पे भी मुकदमा किया, बल्कि मेरा मूछ भी नहीं आया था तो भी हम पे केस मुकदमा कर दिया। 13-14 साल के थे तो भी हमको भ्रष्टाचारी बना दिया उस जमाने का। 2005 की बात है, 4-5 की बात है और 2017 में केस कर रहे हैं, तो ये तो हमारे चाचा का भी कृपा था उसमें, नीतीश चाचा का। आज तेजस्वी की मुलाकात एसपी चीफ अखिलेश यादव से होगी। माना जा रहा है कि तेजस्वी लखनऊ के बाद पश्चिम बंगाल की मुख्यमंत्री ममता बनर्जी से मिलने 19 जनवरी को कोलकाता जाएंगे। इन मुलाकातों के जरिए तेजस्वी कांग्रेस को भी संदेश देने की कोशिश में है। सूत्रों के मुताबिक बिहार में कांग्रेस 16 सीटों पर दावा कर रही है, वहीं आरजेडी सिर्फ 10 सीट देने को तैयार है। ऐसा लग रहा है कि तेजस्वी कांग्रेस पर दबाव बनाने की कोशिश कर रहे हैं। लखनऊ से आशुतोष मिश्रा के साथ।